नाजरीन आपका आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी और आप नाजरीन समाजवादी पार्टी और अलायंस के मुश्तरका उम्मीदवार घोसी असम्बली से दारा सिंह चौहान मैदान में ताल ठोक चुके हैं और पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। आज हमने उनसे उनकी रिहाइश गाह पर एक ख़ास बातचीत की। आइए हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं और सुनाते हैं। चुनाव न केवल घोसी का बल्कि उत्तर प्रदेश की पूरी जनता आज समाजवादी पार्टी के गठबंधन माननीय अखिलेश यादव जी के साथ पूरी चट्टान के साथ खड़ी है। आज चौथा चरण का चुनाव हो रहा है। शाम तक आप देखेंगे जो रिपोर्टें होगी कि वहाँ भी वही हालत होगी जो तीन चरण में हुआ है। वहाँ भी 90% से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने जा रही है। और आज मैं पूरे घोसी विधानसभा में घूम रहा हूँ। आज सारे लोगों के मन में है कि हमें अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से सरकार को इस प्रदेश से बेदखल करना है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री समाजवादी पार्टी की साइकिल को टेररिस्ट से जोड़ के बता रही है, इसको आप कैसे ले रहे हैं? आप देख रहे होंगे फिर आप लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जितने भी पैनलिस्ट वगैरह हैं जो डिबेट में कर रहे हैं। आज मतलब इस देश का जो देश दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री होने के बाद और जिस तरीके से प्रधानमंत्री का इतने निचले स्तर तक उतर के बात करना, ये शोभा नहीं देता है। इस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं क्योंकि स्टेट का चुनाव है तो स्टेट के तमाम सारे इशू पे इसका मतलब है। आप इस बात को समझ सकते हैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में पूरी बौखलाहट है और बौखलाहट के नाते ही अनाप शनाप बयान आ रहे हैं। मैं तो माननीय अखिलेश यादव जी को बधाई देना चाहता हूँ, जितनी मुस्तैदी के साथ जितनी गंभीरता के साथ इस उत्तर प्रदेश के जनता और जनमानस के विकास और विस्तार के लिए उनके तमाम जो इशू हैं उस चीज़ को उठा करके आज आगे बढ़ रहे हैं। और यही कारण है आज माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो गठबंधन है गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक पूरा तूफान खड़ा है। ये तूफान आने वाले दिन में बाउंडर बनेगा और सारे विरोधी लोगों का सफाया होगा। घोसी में दारा सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा आपके अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि विरोध की लहर चल रही है, क्या नज़र आ रहा है? ये तो 10 मार्च को जब काउंटिंग होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सारे लोग को मुक्की खाना पड़ेगा। क्योंकि तो सारे लोग हिंदू हो मुसलमान हो बुनकर हो अगड़ा हो पिछड़ा हो सारे लोग समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी को बड़ा पसंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 5 साल के पिछले कार्यकाल में माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किया है और इस बार जो घोषणा पत्र में उन्होंने डाला है कि हमारी सरकार बनने के बाद पूरी तरीके से 3 श्रेणी बिजली को फ्री करेंगे, केजी से लेकर पीजी तक एजुकेशन को फ्री करेंगे, किसान को सिंचाई को माफ़ करेंगे, जितने हमारे 2 एकड़ जोत वाले लोग हैं उनको 2 बोरिया डाई और 5 बोरिया खाद दे करके उनकी इनकम को बढ़ाने का काम करेंगे, जो पढ़ने वाली बच्चियां इंटर पास करने के बाद 36,000 रुपये एक मुफ्त दे करके हायर एजुकेशन में एडमिशन करके उनकी बच्चियां भी आगे बढ़ पाएँ, ये उनकी सोच है। जिस तरीके से जो पेंशन था पेंशन बहाली के लिए जो ऐतिहासिक और साहसिक कदम माने अखिलेश जी उठाए हैं, आने वाली 10 मार्च के बाद देखिएगा कि क्या होने वाला है। जो उन्होंने वादा किया है पूरी तरीके से ईमानदारी से पूरा करेंगे। आज पूरी जनमानस विरोधियों को मैं बता दूँ समाजवादी पार्टी जीतेगी, विरोधियों का पता नहीं चलेगा कि आने वाले दिन में कहाँ खड़े हैं। एक इल्ज़ाम आपके ऊपर बराबर लगता रहा है कि आप मौका परस्त हैं, हालात को भांपने के बाद फौरी अब दल बदल देते हैं। देखिए तो ये बात मैंने चैनल में मीडिया में कह दिया हूँ, नेशनल मीडिया में मैंने इस बात को जो लाइव टेलीकास्ट हुआ था कि क्या कारण था। हम लोग जिस समाज में हमेशा उसकी बेहतरी उसके विकास के लिए बात करते हैं और जिस भारतीय जनता पार्टी में जिस गरीब समाज के लोगों ने साथ दिया है, मैं स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। जिस समाज में पैदा हूँ उससे समाज के नुकसान में कभी पसंद नहीं कर सकता। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस प्रदेश में पूरी तरीके से जो गरीब पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों ने
पूरी शिद्दत के साथ भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया था। आज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनको नकार दिया है। पूरी तरीके से जो संविधान से छेड़छाड़ करने की साजिश हो रही है, संविधान नहीं रहेगा, न हम रहेंगे न आप रहेंगे, इसलिए आज संविधान बचाने की लड़ाई है। आज सारे जो गरीब अमीर सारे लोग आज समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरी शिद्दत और चट्टान के साथ खड़े। एक आखिरी सवाल, अगर आप घोसी से जीत जाते हैं तो घोसी की जनता के लिए सबसे पहले क्या विकास का कार्य करेंगे? देखो, हम लोग वादा नहीं करते हैं, काम करते हैं जी। जब मैं पार्लियामेंट में था, पार्लियामेंट का चुनाव में 9 से 14 तक था, आप लोग पत्रकार हो जानते हो, मैंने कोई वादा नहीं किया था। लेकिन आने वाले दिन में जब हिंदुस्तान में एक टर्मिनल मिला था तो मैं लड़ करके मऊ में लाया था। टर्मिनल बन के तैयार होने के बाद सारी ट्रेनें यहीं से टर्मिनेट होगी और देश के सारे हिस्सों में यहाँ से जाएंगे। आपने देखा होगा, मैंने कोई वादा नहीं किया था। लेकिन ONGC डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन से मिल करके मैंने यहाँ सर्वे कराया था, 100 करोड़ रुपया मंजूर कराया था। अगर यहाँ इंदारा जो 8 किलोमीटर के रेडियस में नीचे पेट्रोल और गैस पड़ा हुआ है, अगर खुदाई उनकी सतह तक पहुँच गई होती तो आज जो मऊ केरल का कोचीन बन जाता, फिर यहाँ के जो बेरोजगार जो बाहर जाते हैं, बाहर के लोग नौकरी के लिए मऊ में आते, तब मऊ का चतुर्थी विकास होता। इसलिए मैंने अभी मधुबन में मैं विधानसभा में था, कोई वादा नहीं किया था। आप जाके देख लीजिए, आज दीवारी इलाके में जो बाढ़ का सिलसिला हमेशा बना रहता है, दोहरी घाट से लेकर हड़ा नाला तक 100 करोड़ रुपया लगा करके ठोकर बनाने का काम किया दीवारी क्षेत्र को बाढ़ से बचाने के लिए। जो दीवारी के लोग, एक घर में आग लगती है तो 1 किलोमीटर तक आग लग जाती है, फसल और उनके मकान जल जाते हैं। जब मऊ से दमकल जाता था तब तक पूरा खेत उनका स्वाहा हो जाता था। हर स्टेशन बन के तैयार वहाँ पे दीवारी में है। अब मऊ से दमकल नहीं, वहीं से लोकल लोग आ जाएगा, कोई नुकसान नहीं होने पाएगा। क्योंकि मधुबन विधानसभा पिछड़ा था, मैंने डिग्री कॉलेज वहाँ हैदरपट्टी में बनवाने का काम किया। जो दीवारे इलाके में आश्रम पथिक विद्यालय, जो पिछड़े हुए समाज के लोग हैं, पिछड़े इलाके के लोग हैं, उनके बच्चे भी रह करके पढ़ लेंगे। दुबारी मधुबन दुबारी मोड़ से लेकर गजियापुर तक, जो पिछले 25 साल तक जिस रोड के लेकर लोग राजनीति करते थे, आज सीसी रोड बन रही है। मधुबन का एक भी ऐसा रोड नहीं है जो अछूता है, सारा पीच बन गया है। इसमें वादा नहीं करता, मौका मिलेगा, यहाँ के जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से एक घोसी विधानसभा आइडियल विधानसभा बनेगी, आदर्श विधानसभा बनेगी, यह मैं आपको विश्वास। एक सवाल है, थोड़ा सा हट के हम आपसे बात करते हैं, क्योंकि आप कैबिनेट में मिनिस्टर थे और मऊ शहर का में आपको आना जाना होता है, और सेंट्रल में BJP की गवर्नमेंट थी, स्टेट में थी, लेकिन मऊ बालनिकेतन पे जो ओवर ब्रिज का मसला है वो आज तक हल नहीं हो पाया। कभी आपने इसके लिए कोई कोशिश की, प्रयास की? पार्लियामेंट में था, उसको उठाने का काम किया था। यहाँ से PWD और रेलवे की ज्वाइंट जो उनकी टेक्निकल टीम ने सर्वे किया था और कोतवाली से लेकर के यहाँ तक निकालने की बात थी, फिर आपस में हुआ कि कोतवाली जो है वहाँ पे कहीं दुकानदारों का नुकसान न हो जाए, ये वक्त सबसे बात करके अंडर ब्रिज निकाल करके हम पूरी तरीके से काम करने का काम करेंगे। और इसलिए मैं इस बात को कहता हूँ, मैं तो इस ज़िले में जब पार्लियामेंट में भी था, जिसकी बात आप रेलवे ओवर ब्रिज की बात की, मेरे रेलवे ओवर ब्रिज से लेकर के यहाँ के बुनकरों के हित के लिए, ये बुनकरों को मार्केट मिले, बुनकरों का विकास और विस्तार हो, मैंने भारत सरकार के कपड़ा मंत्री को यहाँ पे लाया था और इस जो काटन मिल के रिवाइवल के लिए मैंने मंत्री को ला करके पूरी तरीके से मऊ के बुनकरों के लिए भी मैंने काम किया था। आगे अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से, और हमारी सरकार आप जान रहे हैं, जब नेताजी की सरकार थी, जिस तरीके से बुनकर को फ्लैट रेट पर बिजली का काम देने का काम किया था, आने वाले दिन में उसी पश्चिन्नों पर चल के माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने के बाद बुनकर हो चाहे किसान हो नौजवान हो, सारे लोगों के हित में काम करेंगे। और यही कारण है कि आज पूरे प्रदेश का नौजवान है, छात्र है, किसान है, सारे लोग पूरी मुस्तैदी के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन को पूरी तरीके से जिताने का काम कर रहे हैं। ठीक है।